हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आज फिर से आप सभी लोगों के बीच एक नंबर के साथ आया हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए, और साथ ही साथ अगर वीडियो अगर अच्छे लगेंगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे STTP चैनल में। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कौन सी जॉब वैकेंसी निकाली गई है। तो ये वैकेंसी जो है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और साथ ही साथ मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपने 12th एवं ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें एलिजिबल हो। तो चलिए मैं आप लोगों को पोस्ट के बारे में बताता हूँ। तो इसमें जो है दो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें पहला जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ सीट जो है 200 सीट है। तो सीट बहुत अच्छी सीट है इसमें, तो आप लोगों को अप्लाई जरूर से जरूर करना। और सेकंड जो यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में निकाली गई है। इसमें जो टोटल पोस्ट है 178 है। तो चलिए मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता हूँ कि क्या हम लोगों को डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा, कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, और ये जो एडवर्टाइजमेंट है 5 तारीख को ही रिलीज कर दिया गया था। तो आज जो तारीख है वो 10 तारीख है, तो थोड़ा सा लेट हो गया है, इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। और यहाँ पे फाइल नंबर जो यहाँ पे देख सकते हो, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे इन्होंने शो किया है। तो यहाँ पे जो ऑफिस है इनका BCIL भवन के यहाँ पे सेक्टर 62 नोएडा में आपका ये ऑफिस है। तो चलिए मैं आप लोगों को पोस्ट के बारे में बताता हूँ। तो जो यहाँ पे पहला जो पोस्ट मैंने आप लोगों को बताया था ऑफिस असिस्टेंट का, यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है और टोटल जो सीट है इसमें 200 सीट यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ मैं एज की बात करूँ तो इसमें आपका एज जो है 21 साल से 45 साल के अंदर में होना चाहिए। और यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो क्राइटेरिया होगा, आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा जो कि आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी लिया जाएगा, और इसमें जिसमें कि आपका एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आपको आना चाहिए। यहाँ पे आपको टाइपिंग भी आना चाहिए जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। और यहाँ पे जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। तो मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए, आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड जो हम लोगों का पोस्ट आता है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट आ रहा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ सीट है 178 है, और इसमें क्वालिफिकेशन जो आपसे ओनली 12th मांगा जा रहा है। अगर आपने 12th भी किया है, ग्रेजुएशन भी आपने किया है, तो दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन वाले के लिए दोनों में अप्लाई कर सकते हो, 12th वाले ओनली डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो इसमें आपका 12th का डिग्री मांगा गया है या ग्रेजुएशन का डिग्री आपसे मांगा गया है। और फिर आपको इसमें टाइपिंग भी आना चाहिए जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने से देख लेना है। फिर यहाँ पे इन्होंने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 12th और ग्रेजुएशन होना चाहिए जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपका जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद आपको जॉब के लिए अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो। और एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो अप्लाई कैसे करना है, तो BCIL के वेबसाइट पे जाके वहां से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से अप्लाई कर देना। अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं PDF का भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से PDF भी डाउनलोड करके एक बार अपने से पढ़ लेना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आप अपने से जो भी है ये सब क्राइटेरिया अपने से पढ़ लेना, मैं आपको मेन मेन चीज बता देता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का वो 25/4/2022 तक, 25 तारीख तक ही डेट है। तो हम लोगों का 5 दिन ऐसे ही निकल चुका है, अब हम लोगों के पास 20 दिन टाइम है। तो आप लोगों को जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई करना है। और आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर इशू होता है तो आप इस पे मेल कर सकते हो, इस पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो ये इन्होंने यहाँ पे पूरा चीज लिख दिया है, तो ऐसे आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के तौर पे कैसे होगा, तो फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका, पहले आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर अपना सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा नंबर पे आता है इंटर बेसिक डिटेल, आपको अपना बेसिक डिटेल वहां पे फिलअप कर देना है। फिर इंटर एजुकेशन डिटेल या वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे अपलोड आपको फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड कर देना है।
एप्लीकेशन का प्रीव्यू आपको देख लेना, अगर आपको उसमें गलत लगता है तो उसको मॉडिफाई कर लेना है। और फिर आपको जो यहाँ पे पेमेंट जो कटवाना है वो आप क्रेडिट कार्ड से कटवा सकते हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट जो है कटवा सकते हो। फिर आपको लास्ट स्टेप में भी क्या करना है कि ईमेल पे आप अपने ईमेल से जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सभी का स्कैन करके आपको BCLI के ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, जो कि इन्होंने लास्ट में यहाँ पे मेंशन भी किया है, तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है। फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 100 KB से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए और ये JPG PDF फॉर्म में ही ओनली फाइल आपका होना चाहिए। फिर मैं एप्लीकेशन फी की बात करूँ तो जनरल वालों के लिए 750 यहाँ पे फी लग रहा है, 500 एक्स्ट्रा फी अगर आप उसमें दोनों पोस्ट में अगर अप्लाई करते हो तो उसमें आपका 500 रुपया ऐड हो जाएगा। ओबीसी वालों के लिए भी 700, जिसमें कि सेम कंडीशन रखा गया है जनरल और ओबीसी के लिए। एससी एसटी वालों के लिए 450 यहाँ पे लगने वाला है और अगर आप दोनों में अप्लाई करते हो तो 300 रुपया और उसमें बढ़ जाएगा। और एक सर्विसेज मैन के लिए 750 रुपया यहाँ पे लगने वाला है, 500 रुपया आपका उसमें एक्स्ट्रा लगने वाला है। और वोमेन कैंडिडेट के लिए 750, 500 रुपया एक्स्ट्रा लगने वाला है। EWS या फिजिकल हैंडीकैप के लिए 450, 300 रुपया आपका एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो पहले ही बार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि वोमेन और एक सर्विसेज मैन का सबसे ज्यादा यहाँ पे पैसा लग रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना सारा मेंशन कर दिया, तो ये सब आपको अपने से पढ़ लेना है। फिर इन्होंने नीचे में एक नोट लिखा है यहाँ पे, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो फिर आपको अपना ईमेल और मैसेज हमेशा चेक करते रहना है, क्योंकि आप ईमेल और मैसेज के द्वारा आपको एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको डाउनलोड करके एग्जाम देने जाना है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को जो भी मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, मैं वहां पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, अगर हमारे स्टडी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लो ताकि आपको नई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल पर जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं तो हमारे STDP चैनल का अगर आपने सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया तो उसको जरूर जाके फॉलो करो, मैं उस पर हमेशा सभी चीज का अपडेट सबसे पहले देते रहता हूं। तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है, काफी लोग ज्वाइन भी हुए हैं तो उन सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद भी करना चाहूंगा। और दोस्तों साथ ही साथ हमारे STDP चैनल पे कैट का सीरीज चलाया जाता है, अगर आप उसका भी वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन के सेक्शन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप सिंपली जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाते हैं, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज्यादा ज्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।